हेलो नमस्ते अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइस हम फाइनली निकल चुके हैं शिमला से फॉर मुंबई और प्लान चेंजेस हो गए थे। एक्चुअल में आज हमारी चंडीगढ़ से ट्रेन थी, मगर रात को हमको पता चला कि टिकट्स का कुछ इशू हो गया है। तो अब हमारी दिल्ली से राजधानी है और तो अब हम शिमला टू दिल्ली बाय रोड जा रहे हैं। 10 घंटे का सफ़र है और ये भाई हमारे साथ पीछे सो रहे हैं और अभी भी हम भी बहुत लेट उठे। हमें 6 बजे निकलना था और हम 5:55 को उठे हैं क्योंकि पता नहीं क्या ही सो रहे थे। 5 बजे से घंटियाँ चल रही थी, फोने आ रहे थे, कुछ नहीं उठाए, दोनों सो रहे थे। और बस अभी निकलेंगे टूवर्ड्स चंडीगढ़, पहले जाएंगे फिर चंडीगढ़ से फिर कार चेंज होएगा टू दिल्ली और फिर ट्रेन से घर जाएंगे। तो चलिए, मैं सोचा कि घर से स्टार्ट किया था तो ये ट्रिप भी घर पर एंड करता हूँ फिर को दिखा के। तो बने रहिए और चलते हैं हम घर। सो गाइस, हो चुका है नाश्ता हमारा। इधर मस्त एक ढाबे पे रुके थे और उसका भी व्यू एज यूजुअल, यहाँ सब चीज़ का व्यू बहुत अच्छा होता है। आप कहीं भी रुको आपको व्यूज़ मिलेंगे। ये देखिए पीछे का व्यू था। और अभी बज रहे हैं 9:10। ऑलमोस्ट अराउंड 1 घंटे में हम पहुँचेंगे चंडीगढ़ और फिर वहाँ चंडीगढ़ टू दिल्ली इज़ 5.5 hours। तो लेट्स सी, 5:30 की ट्रेन है हमारी, होपफुली टाइम पर पहुँच जाए। फिर तो टेंशन नहीं कि राजधानी है। 12 से कितना घंटे लगते हैं इनके, 16 घंटे में हम रहेंगे मुंबई में। तो चलिए फटाफट लास्ट टाइम ये वादियाँ एंजॉय करते हैं और फिर देखते कब आना होगा हमारा। सो गाइस, हमारा सफ़र चालू है और अभी हम रुके हैं शिवा ढाबा पे, हमारे पीछे है। और 1 बज रहे हैं, आई गेस 2-2.5 घंटे ही लगेंगे और अभी दिल्ली पहुंचने में। और ये रूट बहुत पसंद है यार। मैं लास्ट टाइम भी जब दिल्ली से चंडीगढ़ गया था, उसके बाद मनाली गया था, तो ये रूट बहुत पसंद था। और इधर आगे मैंने जैसा भी दिखाया हवेली था, जिसका मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था आप सभी से, और वो भी अच्छा था। और ये भी इधर ये देखिए पूरा मस्त सा है एकदम, सब शॉपिंग के लिए भी है और ढाबा भी अच्छा है। तो चलिए, अभी भाई भाभी का वेट कर रहे हैं, वो लोग आते हैं जैसे ही चलते हैं अंदर। राइड लेगा, ले ले। तो गाइस, हमारा खाना हो चुका है। अभी अराउंड बज रहे हैं 2 और ये बहुत अच्छा ढाबा है। अगर आप कभी दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हो, यहाँ रुक सकते हो। मगर आगे मूर्थल भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, बहुत ही फेमस है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद सब इधर ही आते हैं मूर्थल। होपफुली हम नेक्स्ट टाइम आएंगे मूर्थल। और अभी बस चलते हैं, 2 घंटे है हमें स्टेशन पहुँचने में और उसके बाद ट्रेन। ये किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है जो, हाँ वो है ना, वो है ना, ये शांति से है भाई। हाँ कोई ना, कब से बैठे हैं? 10 महीने हो गए, दिसंबर से बैठे हैं पिछले। ये देखो ट्रेनिंग में एसी फिट कर रखे हैं। अच्छा, क्योंकि ये घर सबके लिए है जी। अरे अच्छा ही खिले कर रहे हैं ये लोग। हाँ, इनके लिए नहीं है। ये लगता है कि देखो ना, चावल दे रहे हमारे को 50 रुपये किलो, ले रहे हो 7 रुपये किलो। तो कम से कम चलो आधो आध कर लो आप। 7 का बेच रहे हो तो 1400 का बेच लो, 20 का बेच दो। ये तो है नहीं कि आप 5-6 गुना ऊपर से ज़्यादा कमाओ, है ना। सो गाइस, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट लेट हो गए थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो गया था, मगर फिर भी ऑन टाइम है। अभी है आराम से 15-20 मिनट और अब बस ट्रेन में बैठते और मुंबई पहुंचते हैं। और यार शिमला से निकलते ही गर्मी इतनी होने लगी है ना, क्या ही बोलूँ। और पेट भी देखिए एकदम डल हो गया है अभी। और अभी बस कर रहे हैं लिफ्ट का वेट और उसके बाद चलते नीचे अपनी ट्रेन। और सामान भाई भाभी पहुँच चुके हैं और अब हम लोग भी पहुँच जाएंगे और फिर चलते हैं मुंबई। और फिर से हम आ चुके हैं अपनी फेवरेट राजधानी पे। सो गाइस पहला स्टॉप आ चुका है मथुरा स्टेशन और इस ट्रेन में आएगा 6 या 7 ही स्टॉप है और 2 घंटे में पहला स्टॉप आ गया। आवाज़ बहुत आ रही है तो मेरे को पता नहीं मेरी आवाज़ ऑडिबल है कि नहीं। मैं फुल चिल सीन्स चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है यार। स्टेशन में मगर बहुत भीड़ है, जैसा आपने देखा पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी बस टाइम पास करेंगे और चलते हैं। बाकी यार मथुरा का स्टेशन तो बड़ा अच्छा है, ये देखिए खाने के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ तो इधर भी है। तो गाइस मैंने लिया है मथुरा के पेठे, मैंने पेठे लिए। भाई इधर तुम लोग इधर पेठे बोलते हैं, मेरे गांव में इसको मुरब्बा बोलते थे हम लोग। और मैं बचपन में हाँ हम लोग इसको भी मुरब्बा ही बोलते थे और मैंने बचपन में मेरे को बहुत पसंद थे। लास्ट टाइम ये जब आगरा आया था मैं इसको बोला था पेठे लाना तो वो पेठे ले आया था। मैंने मुरब्बा बोला था जिन्हें पेठे ले आए थे, मगर फाइनली ले लिया। अभी हम खाएंगे। चल भाई ट्रेन का टाइम हो जाएगा, आजा। हाँ अजीमो शाह शहनशाह। कैसे हो मेरे भाई? पीपी पीपी कर रहा है। फोन किया तो फोन उठाने होता नहीं है इसको। अब किया तुमने फोन मेरे को? हाँ बताओ तब किया था लास्ट तब उठाया था वो, तब मैं लिफ्ट में था। ये उधर नेटवर्क का ही कितना नेटवर्क का बहुत इशू था। फोन करके बंदा क्या बोलता है मालूम है भाई? लिफ्ट में हूँ, नेटवर्क का बहुत इशू है, रूम में जाके फोन करता हूँ। नहीं किया फिर? नहीं किया। इतना गलत इंसान है। और कैसे हो? अरे मन ही नहीं था इसका बात करने का। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को कॉल, मगर मेरे को तो तुम कॉल करोगे नहीं। ठीक है देख लिया, देख लिया। मैंने कॉल किया था, मैंने बात कर लिया था इज्जत से। और मिस कंप्लेंट कर ही नहीं रहा है ना मिस डस। पक गया यार इधर। से आजा 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 हाँ बाबू असे सो रहा था। अरे बड़े शांत हो आज भाई तुम। अच्छा नींद से निकला है इसलिए। और आसी कैसा है? और मम्मी अभी सो रही हैं तो मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। और ये क्या हाल हुआ है घर का? ओ भाई ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? मैं घर नहीं, ये टाइल्स लग गए हैं। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी मम्मी सो रहे थे, मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये देखिए टू माय सरप्राइज घर में काम चालू हो गया और मुझे पता तक नहीं है। वाह मम्मी भी एकदम अल्ट्रा फास्ट है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे थोड़े टाइम बाद। ये देखिए आ चुके हैं। अरे और क्या दिल्ली क्या चला गया, इधर तो गाड़ी वाड़ी टो होने लगी है। अरे चालू अभी 3-4 दिन से चालू है। और तुम्हारा क्या सीन, ऑफिस नहीं गया आज भी? आज संडे है भाई। ओ हाँ मैं तो भूल गया, वेकेशन पे रहते तो पता नहीं चलता ना सैटरडे का संडे का। आज संडे। चलो कॉफी पीते हैं। और मम्मी जी कैसी हैं? और मजा आया मेरे बिना? नहीं जी नहीं जी। और से आपका ये बिजी है? हमें दोनों तो तय बेचारे। और अचानक घर का काम क्या करवाने लगे? रुक नहीं सकते थे मेरे लिए? सिर्फ टाइल्स लगाए जी, तुम रहते तो नहीं हो पाता, तुम करने नहीं देते। इतना सीमेंट बालू ये 10 दिन से एकदम हालत खराब है मेरा। नहीं और मजा की 10 दिन कितना 7 दिन थे नहीं थे ना। मजा की क्या मजा की, मजा नहीं सजा की है। खाली रेती बटोरना, दिन भर में 10 बार पोछा मारना बटोरना और इनको संभालना। इनको परसों नहलाए, 3-4 घंटा इनको नहलाए। अरे मजे तो ये तो ब्लैक हो गए थे, जैसा इनका शक्ल है ना ऐसा इनका बदन हो गया था, इतना रोकने पे। अरे हम तुम्हारे लिए कुछ लाए भी, हमको पता था कुछ तो लाए हो। शिमला में और दिल्ली में कितना अच्छा अच्छा कपड़ा। दिल्ली में तो नहीं शॉपिंग, फिर शिमला जाना था, फिर इतना कौन लेके आता। इतना अच्छा अच्छा कपड़ा था, हम लोग के वीडियो में देख रहे थे, सब टांगा था लाइन से। हम भी जाएंगे दिल्ली। जाओ जाओ, औसी को लेके जाओ। खाली शॉपिंग करने जाएंगे तुम और प्रिंसी ना, कुर्ती का, कपड़े का। प्रिंसी तुम्हारी शादी में जाएगी लहंगा लाने, तुम्हारी शादी का और पार्टी का लहंगा वो दिल्ली से लेने। अरे उनको देख लो, देखो हम और उसी कुर्ती लेने जाएंगे, उसी का कपड़ा 3 पीस, उसी के लिए 3 पीस। बिल्कुल ला रहे क्या क्या तुम्हारे लिए लाए हैं? लाओ लाओ जल्दी, अरे लेट मत करो जी। ये लो हम तुम्हारे लिए लाए हैं सेब। सेब सेब शिमला से। हाँ शिमला में सेब खूब मिलता है, कितना अच्छा महक रहा जी। हाँ प्रिंसी बोल रही थी, वो भैया बोल रहा था कि खरीद कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ मम्मी और प्रिंसी। मैं बोली मुझे तो नहीं दिखा, तुम कहाँ देखी? हाँ शिमला में सेब मिलता है ना। हाँ जी हाँ हाँ, तो 2 टाइप का लाए 1-1 किलो और दोनों मस्त चलेगा। हाँ एक नीचे है। अच्छा ठीक है, और ये लो। अच्छा है जी, ये लो, दोनों में से कोई भी एक ले लो, एक पा के लिए। अच्छा ऐसा? तो क्या तुमको दोनों चाहिए? सेम ही है क्या दोनों? नहीं, कलर पैटर्न अलग है। एक ब्लैक है, एक ये ब्लू है। चलो अच्छा है, पाको करवा चौथ के लिए काम आ जाएगा। देखो तो एक यही सेम है, पैटर्न अलग है दोनों का अंदर। वाह क्या गिफ्ट है, बेटे के हाथ का दिया हुआ गिफ्ट का ही बात कुछ अलग होता है। तो बच्चे की माँ को कुछ देते हैं, कितनी खुशी होती है। अच्छा है जी। हाँ तो जो भी तुमको पसंद है ले लो, एक पार्ट को लेना, तुम पार्ट देख लेना, जो भी जिसको पसंद है वो ले लेना। हाँ और फिर बाकी वही प्रिंसेस के लिए थोड़ा मोड़ा लाए और कुछ नहीं। तो थोड़ा मोड़ा भी दिखाओ क्या है, चलो देख लेना, सब अंदर ही तो है। अच्छा सेम ही है, खाली कलर अलग है ना, पैटर्न भी अलग है ना, पैटर्न अलग है। चलो ठीक है, अच्छा है जी, थैंक यू। बस यही लाए, और क्या चाहिए? हाँ तो और इनको चाहिए, लगेज इतना भारी हो गया था ऑलरेडी मेरा, तो एक अटैची लेके वहीं से खरीद के उसमें लाना चाहिए था, 2 हो जाता, बस बहुत हो गया। क्यों ऐसा? सो गाइस मम्मी को गिफ्ट भी दे दिया और बाकी प्रिंसी पा को भी, जब मासी को भी जब आएंगे वो लोग तो दे दूंगा। और भाई बहुत गर्मी लग रही है, अचानक इतना वेदर चेंज हुआ है, इधर ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अब आराम से घर पर एटलीस्ट 1.5-2 दिन सोऊंगा, आराम करूँगा और फिर कुछ काम करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, ये टूर पसंद आया हो, और मैं तो सबको रेकमेंड करूँगा कि एक बार शिमला ज़रूर जाए। और मोस्टली ट्राई कीजिए नवंबर दिसंबर या जैन में जाने का, कि तब बर्फ़ भी पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तब थोड़ा हार्ड हो जाता है ट्रैवल करना, पर मज़ा ज़्यादा आएगा। अभी भी बहुत मज़ा आता है, अगर आपको अभी जाना है आप इस वेदर में भी जा सकते हैं। और मैं भी ट्राई करूंगा कि होपफुली जैन या दिसंबर में वापस जाऊं, जब स्नोफॉल रहे शिमला मनाली और घूमूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलूंगा आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।